नमस्कार मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, आज बात करीशुं धोरण 6 अने विषय हिंदी। आज रोज 26 तारीख ने मंगलवार ना रोज लेवायेलू साचुं पेपर नुं सोल्यूशन जोवाना छे। संपूर्ण मित्र 80 गुणनो जे आपणे पेपर छे, पेपर सोल्यूशन जोईशुं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। हमारे मन में किसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो बेर भावना नहीं होनी चाहिए। हम बात करने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं, तो ब्रह्मांड भाष, એટલે કે એ ઓપ્શન સાચો છે। बेर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना, पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो हमारे मन में बेर की भावना नहीं रखनी चाहिए और मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुआ, तो इंटरनेट से दुनिया छोटी हो गई है। हम दुनिया में कैसे यश प्राप्त कर सकते हैं, तो हम दुनिया से समय के साथ चलने पर यश प्राप्त कर सकते हैं। मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हमारा मन ही मजबूत नहीं होगा तो हम विश्वास नहीं आएगा और हमें कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमने सारे गहने दे देने के पीछे कौमुदी का कौन सा गुण दिखाई देता है, तो देश प्रेम। न्याय कहानी में हमें किसकी झलक मिलती है, तो न्याय और बुद्धिमत्ता की। प्रश्न के उत्तर लिखिए। किताबें हमें क्या क्या देती है, तो किताबें हमें ज्ञान देती है, बुरे और भला का फर्क समझाती है। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते, तो मित्रों आ तमारा પોતાનો મનનો વિચાર છે, તમે શું કરો એ તમારે જાતે લખવાનો હતો। વાસ્તવિકતા જાણને પર ખલીફાને ક્યા નિર્ણય કિયા, तो वास्तविकता जानने पर खलीफा ने मोहरे वापस करने को कहा और चोरी और विश्वासघात के लिए सजा सुनाई। नंबर 4, देवेंद्र भिखारी को अस्तपाल क्यों ले गया, तो देवेंद्र को लगता था कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और भिखारी की पैर में चोट भी लगी थी, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्तपाल ले गया। वह भी एक परीक्षा एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी की सेवा या मदद करने का हमारा कर्तव्य है और हमें इंसान की मदद करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, सूचना अनुसार कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा पहचान कर लिखिए, तो पहला में आवश्यक मित्रों बिंछू एट्ले के विंछू और बीजा में आवश्यक घोड़ा। दिए गए विशेषण का उपयोग करके एक वाक्य बनाइए, तो वफादार, कुत्ता एक वफादार प्राणी है, रंग बेरंगी आसमान में रंग बेरंगी पतंग उड़ रहे हैं। दिए गए सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, तो हम सब एक हैं, कौन तुझे अस्तपाल लेकर कौन आया। प्रश्न नंबर 4, परिच्छेद को पढ़कर सूचना अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो वहीं आपने पहलो प्रश्न पूछेलो छे मित्रों, जीवन में खेल क्यों जरूरी है, तो अहींथी तमारे लखवानुं छे, खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, रोज खेलने से खाना अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं, तो आटला सुधी लखवानुं छे। नंबर 2, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए क्यों, जो लड़के नहीं खेलते वो आलसी और बीमारी रहते हैं, खेलते समय हमें अपना साथियों का ख्याल भी रखना पड़ता है, इसीलिए हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हमको कई अच्छी आदत आप आ जाती है, ये आदत आगे जाकर हमें बड़ी लाभकारक होती है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी पूरा जोर देना चाहिए। दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द परिच्छेद से ढूंढ कर लिखिए, तो सेहत तो तंदुरुस्ती, जीवतंत्रता तो मित्रों आपसे स्फूर्ति। परिच्छेद के 2 योग्य शीर्षक दीजिए, खेल का महत्व, खेलो और मस्त रहो। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 10 वाक्य लिखिए, तो सरस मजाना मित्रों गामनो चित्र छे, ગામનો જે ચોરો હોય તેનું ચિત્ર છે, તો તમારે તેના વિશે 10 વાક્ય લખવાના રહેશે। અહીં મિત્રો તમારે ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનો હતો, આપણે સીધો અનુવાદ જોઈ લઈશું। દુર્ગાવતી બાળપણથી બહાદુર હતી, તેને યુદ્ધ કરવામાં અખૂટ ધૈર્ય, દૂર અતૂટ વિશ્વાસ, સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણો વારસામાં મળ્યા હતા। જેમ તે સુશીલ, કોમળ, ખૂબ રૂપાળી અને ભાવુક હતી, તો બીજી બાજુ તે વીર, સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્રમાં પણ પારંગત હતી। શિકાર કરવામાં તેને ખૂબ રસ હતો,
વખતે તીર અને બંદૂકની નિશાનબાજી પણ ની અંદર પણ હોશિયાર હતી। प्रश्न नंबर 7 उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो मित्रों अवतरण चिन्ह लखवानो हतो सत्य ही ईश्वर है एटले तमारे जे छे मित्रों अवतरण चिन्ह करवाना हता अने पाछळ जे छे पूर्ण विराम महाराजा पछी अल्प विराम ये धन किसका है प्रश्नार्थ राम अल्प विराम लक्ष्मण और सीता मैया बन में गए पछी पूर्ण विराम जीते रहो बेटा पूर्ण विराम भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे पूर्ण विराम। अवतरण चिन्ह में लखवानो छे कंगाली में आटा गीला अवतरण चिन्ह पूर्ण अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना पूर्ण विराम। क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे तो पाछळ प्रश्नार्थ आवशे। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित वाक्य का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लड़के मैदान में खेल रहे हैं तो लड़कियाँ मैदान में खेल रही हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की हमने आज कई व्यक्तियों की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है तो उद्यान में हरे भरे पेड़ हैं। मेरी किताब वापस दीजिए तो हमारी किताबें वापस दीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद में से किन्हीं को दो मुहावरे ढूंढकर उसका अर्थ देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आस्तीन का सांप और नज़र चुराना सूचनानुसार कीजिए। तो मित्रों समानार्थी शब्द सहसा तो अचानक और वाक्य में प्रयोग कीजिए। दिए गए विरुद्धार्थी शब्द तो अधिक तो कम। प्रश्न नंबर 11 मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। तो ताकि आप हमारे साथ चलेंगे या घर पे रहेंगे मैं समझता हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं। ब नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। तमोली तमोली पान बनाता है बजाज तो मित्रों ये थे कापड़ियों। खटबूना तो खाटलो भरनार तो एना ऊपर तमारे एक वाक्य बनावानो छे। अने कुंजड़ा एटले काछियो तो काछियो जे छे वो सब्जियां बेचता है। प्रश्न नंबर 12 किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विज्ञान में क्रांति और महात्मा गांधी जी तो बन्ने माथी गमे ते एक ऊपर मित्रों तमारे निबंध लखवानो हतो। तो આવી રીતે તમે પેપર લખ્યું હોત તો ખૂબ સારું માર્કિંગ મેળવી શક્યા હોત। મિત્રો મોડેલ પેપર મેળવવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો।